Hello everyone, welcome or welcome back to my channel Learning with Pace. आई एम प्रियंका गौर एंड इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपके 12th बोर्ड एग्जाम में आपको राइटिंग स्किल्स में क्या क्या देखने को मिलेगा और किसके ऑप्शन में क्या आएगा. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक. तो मैं यहां लिख देती हूं क्लास 12th राइटिंग सेक्शन. ऑलराइट, देखो आपको राइटिंग सेक्शंस में चार चीजें मिलती हैं. एक तो आपको क्या मिलता है, नोटिस मिलता है. एंड नोटिस के मतलब उसके कंपैरिजन में कह लो, वर्सेस में कह लो, दूसरा भी नोटिस ही आता है. तो आपको नोटिस में से एक पिक करना पड़ता है. फिर आएगा आपका इनविटेशन. अब देखो इनविटेशन में क्या होता है, इनविटेशन समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए. मैं यहां समझाती हूं आपको इनविटेशन क्या है. देखो इनविटेशन जो है दो तरीके का होता है. एक होता है आपका फॉर्मल इनविटेशन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल इनविटेशन. अब अगर मैं फॉर्मल की बात करूं तो फॉर्मल भी दो तरीके का होता है. एक होता है कार्ड टाइप और एक होता है लेटर टाइप. ओके, फिर इनफॉर्मल हमेशा लेटर टाइप ही होता है. ऑलराइट, अब फॉर्मल में भी आपको रिप्लाई करना पड़ता है. एक सेकेंड, फॉर्मल में आपको रिप्लाई करना पड़ता है, इसमें भी आपका रिप्लाई आता है. ठीक है, रिप्लाई में आप या तो एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर रिफ्यूज कर रहे हो. ऐसे ही इनफॉर्मल में आप या तो एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर रिफ्यूज कर रहे हो. तो ये बेसिकली एक ट्री बनता है इनविटेशन का, और तब जाकर इनविटेशन कंप्लीट होता है. ठीक है, अब इनविटेशन में या तो आपको फॉर्मल आएगा एक जगह पर और दूसरी जगह पर इनफॉर्मल आएगा. ठीक है, या तो ऐसे आता है या फिर आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल एक जगह मिलेगा और दूसरी जगह आपको एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल में से कुछ भी मिल सकता है. ठीक है, इस तरीके से आता है. फिर इसके बाद इनविटेशन, नोटिस एंड इनविटेशन के बाद आपसे पूछा जाता है लेटर. ठीक है, अब लेटर में भी देखो क्या होता है, मैं यही बना देती हूं. ठीक है, लेटर में आप एक लेटर लिखते हैं एडिटर को. ओके, एडिटर को जब भी आप कोई लेटर लिखते हैं तो आप अपना कंसर्न शो करते हैं या कोई इशू को रेज करने के लिए लिखते हैं, या जब आप अपने पॉइंट्स आगे पब्लिश कराना चाहते हैं न्यूज़पेपर में तो आप एडिटर को एक लेटर लिखते हैं. एक तो क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आप एडिटर को लिखेंगे, एक आएगा जब आप जॉब अप्लाई करेंगे. तो जब आप जॉब अप्लाई करेंगे तो वो या तो आप लेटर लिखोगे प्रिंसिपल को, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन के लिए, या फिर किसी भी डायरेक्टर को, या फिर कोई भी अथॉरिटी जो है उसको आप जॉब अप्लाई के लिए एक लेटर लिखेंगे. ऑलराइट, जिसमें कि आपकी ओपनिंग लाइन बिल्कुल डिफरेंट होती है, इसकी ओपनिंग लाइन डिफरेंट होती है. मैं आपको समझाऊंगी, एक दिन मैं आप लोगों का लाइव सेशन जो है लेना चाहूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी, या अगर लाइव नहीं हुआ तो रिकॉर्डेड कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं मुझे स्कूल में जाना पड़ता है सुबह सुबह उठ के पढ़ाने के लिए बेसिकली. सो यस, अगर मुझे टाइम मिला तो लाइव सेशन, अदरवाइज मैं एक रिकॉर्डेड ऐसा डाल दूंगी जिसमें सबका फॉर्मेट आपको बताऊंगी. ऑलराइट, अगर आपको फॉर्मेट समझ आ गया ना, आपका आधे से ज्यादा काम वहीं खत्म हो जाता है. फॉर्मेट बहुत मैटर करता है. दो फॉर्मेट का एक नंबर होता है, लेकिन जिसको फॉर्मेट अच्छे से आ गया वो मेन बॉडी लिखाता है. ठीक है, फिर आप जो फोर्थ राइटिंग सेक्शन देखेंगे उसमें आप क्या देखेंगे, एक तरफ आपको आर्टिकल लिखने को मिलेगा और उसके ऑप्शन में एक तरफ आपको यहां पर रिपोर्ट मिलेगी. ऑलराइट, क्या मिलेगा, आर्टिकल और एक तरफ रिपोर्ट. अब एक चीज यहां आप जो ध्यान रखेंगे, नोटिस जो है इट इज ऑलवेज इन बॉक्स
इनविटेशन बॉक्स में आएगा, ठीक है। अब कई बार बच्चों का रिप्लाई ये होता है कि मैम ये जो एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूजल है क्या ये भी बॉक्स में आएगा? डेफिनेटली। या तो हम फॉर्मल की बात करें इनविटेशन में, इनफॉर्मल की बात करो, कार्ड टाइप की बात करो, लेटर टाइप रिप्लाई में एक्सेप्टेंस रिफ्यूजल ये सारा बॉक्स में आएगा। सो ऑल एंड ऑल नोटिस एंड इनविटेशन टोटली एंड टोटली बॉक्स में लिखा जाता है। ऑलराइट, तो आपको ये चार सेक्शन क्या देखने को मिलते हैं? नोटिस के वर्सेस में आपको नोटिस देखने को मिलेगा। जैसे कि एक नोटिस में आप क्या देखेंगे, या तो लॉस्ट एंड फाउंड आ जाएगा, इसी के ऑप्शन में आपको कोई कंपटीशन दे देंगे कि भाई आप कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहे हो तो आप क्या है उस पर नोटिस लिखो। जैसे कि कोई ड्राइंग कंपटीशन आ जाएगा एक तरफ, और दूसरा ही उसके ऑप्शन में आ जाएगा कि भाई आप कोई इंफॉर्मेशन बच्चे को देना चाहते हैं, जैसे कि विंटर टाइम चेंज हो चुका है, विंटर की वजह से स्कूल का टाइम चेंज हो चुका है, या फिर आप जो है कोई चीज आपकी लॉस्ट हो गई है, मिसप्लेस हो गई है, इस पर नोटिस आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके के नोटिस आते रहते हैं जिसमें डिबेट कंपटीशन, डांस कंपटीशन, या फिर सिंगिंग कंपटीशन होगा, या लॉस्ट एंड फाउंड आएगा, या फिर आप कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाहते हैं, कोई फ्री बुक्स को लेकर, या कोई एनजीओ जो है वो अपना थीम जो है वो आगे स्प्रेड करना चाहती है, आप इंडिया की डाइवर्सिटी को शो करना चाहते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पर अलग अलग नोटिस जो है आते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने अपने चैनल पर नोटिस बहुत अच्छे से कंप्लीट करा रखे हैं। फिर इन्विटेशन में या तो आपको फॉर्मल, एक तरफ फॉर्मल मिलेगा इसके वर्सेस में, दूसरा आपको ऑप्शन इनफॉर्मल मिल जाएगा। अच्छा, कई बार एग्जामिनर ऐसे भी देता है, या तो एक तरफ फॉर्मल दे देगा, दूसरी तरफ एक्सेप्टेंस या रिफ्यूजल दे देगा, या फिर दूसरी तरफ इनफॉर्मल दे देगा फिर एक्सेप्टेंस या रिफ्यूजल दे देगा, ठीक है, ऐसे भी होता है। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि मैम कैसे समझ आएगा, जैसे कि अगर एग्जामिनर ने लिखा कि भाई आप किसी गेस्ट को बुला रहे हैं, और आप गेस्ट को जब इनवाइट कर रहे हैं तो फॉर्मल इनविटेशन लिखो, ठीक है, आप फॉर्मल तो लिख दोगे, लेकिन अब आप यहां कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम कार्ड टाइप लिखने के लेटर टाइप। देखो, कई बार एग्जामिनर लिख भी देता है कि कार्ड टाइप होगा या लेटर टाइप होगा, अगर एग्जामिनर ना लिखे तो भी मैं यहां आपको समझा दूंगी कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी दोस्त को शादी के लिए एक इन्विटेशन भेज रहे हैं फॉर्मल में, तो कार्ड टाइप आ जाएगा, या फिर आप किसी, आपका स्कूल जो है किसी एक स्पेसिफिक बंदे को, जैसे कि मिस्टर धनराज पिल्लई एक नाम है, ठीक है, आप इसको एज अ चीफ गेस्ट बुला रहे हो और क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है उस बंदे का, तो भी कार्ड टाइप आएगा। लेकिन अगर आप किसी एजुकेशन मिनिस्टर को बुला रहे हैं, या फिर किसी जज को बुला रहे हैं, किसी ज्यूरी को बुला रहे हैं, किसी बहुत बड़े एक ऐसे इंसान को बुला रहे हैं जिसका नाम नहीं दिया गया है, तो आप लेटर टाइप करेंगे। खैर, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अभी छोड़ो, आप सिर्फ ये देखो कि आपके यहां पर क्या क्या आएगा। राइट, वेल, फिर लेटर में आपको एक तरफ लेटर टू एडिटर मिलता है, दूसरी तरफ आपको जॉब एप्लीकेशन मिलता है। एडिटर को आप जब भी कुछ लिखते हैं, या तो आप कोई प्रॉब्लम जो है रेज करते हैं, जैसे कि सपोज करो आपके कॉलोनी में बहुत सारे पिट्स हैं, ट्रेंचेस हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपकी कॉलोनी के बाहर बहुत ट्रैफिक जैम होता है, तो आप वो चीज़ क्या है एडिटर को लिखेंगे और अपना कंसर्न शो करेंगे और लोगों की तरफ अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। या फिर आप किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस बताएंगे, जैसे कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, विमेन एम्पावरमेंट, इस तरीके के जो आपके व्यू पॉइंट है, वो व्यू पॉइंट आप किसको देंगे, एडिटर को देंगे, ताकि एडिटर अपने कॉलम में उसको छाप कर लोगों को दिखा दे, ठीक है। दूसरा आता है जॉब एप्लीकेशन, जिसमें आप प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को, किसी भी हायर अथॉरिटी को आप जॉब अप्लाई के लिए एक लेटर लिखते हैं, जिसमें आप प्रॉपर लेटर लिखेंगे, अपना रिज्यूमे अटैच करेंगे, मैं आपको वो भी बताऊंगी। वेल, फोर्थ सेक्शन में आपको आर्टिकल मिलता है, ठीक है, और रिपोर्ट राइटिंग मिलती है। ध्यान रखना, रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट में होती है, आर्टिकल पास्ट में नहीं होता, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इन पास्ट, ओके। वेल, ये तो था आपका राइटिंग सेक्शन कि आएगा क्या क्या। अगर आप लोगों को इतनी भी क्लैरिटी हो जाती है ना कि आपके 12th बोर्ड एग्जाम में राइटिंग सेक्शंस में क्या क्या आएगा, दैट मींस हाफ ऑफ द वर्क इज डन, देन आपका दूसरा स्टेप क्या है,
आपका दूसरा स्टेप है आप देखें कि हर चीज का फॉर्मेट क्या है. इन सब का आप फॉर्मेट एक बार देख लेंगे तो आप समझ लो आपका 70% काम डन हो जाएगा. फिर अगर आपने उनको उनका जो मेन कंटेंट है, जो ओपनिंग लाइन है. अच्छा, एक और चीज, ओपनिंग लाइन से मुझे याद आया कि हर चीज की एक अलग ओपनिंग लाइन है. जैसे कि अगर आप एडिटर को लिख रहे हो, इसकी ओपनिंग लाइन अलग है. अगर आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो या डायरेक्टर को लेटर लिख रहे हो, इसकी ओपनिंग लाइन अलग है, जो मैंने मेरे चैनल पे बताई हुई है. ठीक है, अगर आपको ये पता चल गया तो आप समझ लो कि आप जो है एग्जामिनर चेक करते करते स्टार्टिंग में यही देखता है. राइट, अगर आपकी ये लाइन सही है ना तो समझ लो कि आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं. वेल, आपने ओपनिंग लाइन पे ध्यान देना, एंडिंग पे ध्यान देना, बीच की लाइंस आप अपने आप लिख दोगे, आई नो वेरी वेल. एंड देन आपने एंडिंग कैसे करनी है वो पता होना चाहिए. सो दिस वॉज इट. आई थिंक, आई होप आई एम क्लियर. एंड बोर्ड्स एग्जाम तो बिल्कुल ही पास में है, मेरे ख्याल से एक भी पूरा महीना नहीं रहा है आपका. लोगों का जो है हिंदी एग्जाम 20th को है, देन इंग्लिश एग्जाम आपका 24th of February को है. खैर, 24th of February इज अ वेरी वुड बी अ वेरी हैक्टिक डे फॉर मी एज वेल, क्योंकि मुझे भी टेंशन रहेगी कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से एग्जाम करके आए, और आप लोगों की भी मुझे टेंशन रहेगी. तो डेफिनेटली आई वॉन्ट कि आप लोग अच्छे नंबर फैच करो. एंड कोई भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में लिख दो. अगर कॉमेंट सेक्शन में नहीं लिख सकते, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, या फिर वहाँ भी नहीं करना चाहते हो फॉलो, सो यू कैन यू नो कम एंड ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप. यू आर ऑलवेज वेलकम. एंड वहाँ पर मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी, और इस सब का मैं स्क्रीनशॉट एंड जो है जो भी आपको चाहिए वहाँ पर MCQs, क्वेश्चन आंसर्स, वो सब मिलेगा. Thank you so much for watching this video. Thank you.